अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ नेहा खान। केबीएन न्यूज़ की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिसे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक सेफ एंड हेल्थी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नीट मेडिकल एंट्रेंस मुल्कगीर सतह पर NTA के तहत 1 अगस्त को मुकर्रर किया है। इसके लिए शेड्यूल का इस हफ्ते ऐलान किया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करना होगा। इंटर बाईपीसी तलबा नीट के जरिए MBBS, BDS और आयुष कोर्सेस में दाखिले के अहल होते हैं। इसके लिए माहरीन के जरिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए उम्मीदवार 9346404 पर नाम दर्ज करवाएं। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि कोरोना की जंग में सबसे बड़ा हथियार टीका है। 45 साल मुकम्मल करने वाले हर शहरी बगैर किसी खौफ व शक व शुभहात के फौरी अपने करीबी टीका अंदाजी मराकज पहुंचकर कोरोना का वैक्सीन लें और कोरोना से लड़ी जाने वाली जंग में हुकूमत से ताउन करें। अवाम के ताउन के बगैर कोरोना से जंग जीतना मुमकिन नहीं है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम एहतियाती इकदाम किए जा रहे। टेस्टों और टीका अंदाजी की मुहिम में तेजी पैदा करती गई है। मुतासरीन का बेहतर इलाज करने और उनके राब्ते में रहने वालों की शनाख्त करते हुए उनका भी टेस्ट किया जा रहा। उन्होंने सिद्दीपेट के वेंची ऑडिटोरियम में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करते हुए मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट के अवाम को मुयसर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए 2,50,00,000 के मुसारिफ से डायग्नोस्टिक हब और 2,20,00,000 रुपए के मुसारिफ से सिटी स्कैन की सहूलत फराहम की गई है। महकमे बरखी की जानिब से डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर हजारों रुपए वसूल करने का वाकया तेलंगाना के जगतियाल शहर में सामने आया है, जिससे बरखी के सार्फीन में शदीद बरहमी और नाराजगी देखी जा रही और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर सार्फीन को बिल में 4,000 से 5,000 रुपए इजाफा बिल गरीब और मुतवस्सित तबके की परेशानियों में इजाफा कर दिया। बताया जाता है कि जगतियाल में महकमे बरखी की जानिब से इस महीने सार्फीन को दी जाने वाली महाना बिल्स में डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर 4,000 से 5,000 रुपए के इजाफा रकम शामिल की जा रही। सार्फिन की जानिब से इस्तफसार करने पर महकमे के जिम्मेदारों ने गैर जिम्मेदाराना और मुबहम सा जवाब दे रहे हैं। सार्फिन को बताया जा रहा है कि इस महीने से उनके बरखी मीटर में तब्दीली लाई गई है। मीटर की कैपेसिटी और बढ़ा दी गई है। 1 किलो वाट से 2 किलो वाट में मीटर तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा बरखी लाइन की तब्दीली और महाना ट्रांसफार्मर की देखभाल जैसे कामों को डेवलपमेंट चार्जेस में शामिल करने की बात कही जा रही। जबकि कोरोना वबा के बाइस पिछले एक साल से अवाम का कारोबार ठप है। गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए सख्त जद्दोजहद करना पड़ रहा। ऐसे में महकमे बरखी का डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर हजारों रुपए सार्फिन से इजाफा चार्जेस वसूल किया जाना उन्हें मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर देगा। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में कोरोना वायरस से महकमे जंगलात के 2 मुलाजमीन फौत हो गए। एक ही गांव के 2 मुलाजमीन मुख्तलिफ मुकामात पर फराइज अंजाम देते हुए वायरस से मुतासिर हो गए थे। तफसीलात के मुताबिक जिले के भीमपुर गांव के राठौड़ ईश्वर आदिलाबाद सेक्शन ऑफिसर और जाधव सुनील निरादिगुंडा में बेट ऑफिसर है। ये दोनों कुछ दिन पहले ही कोरोना से मुतासिर हुए थे। तब से वो आदिलाबाद रिम्स में जेर इलाज थे। दोनों का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की तर्ज पर सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने रियासत में कोई लॉकडाउन मुसल्लत नहीं किया, ताहम सख्त पाबंदियां आयद की जा रही हैं। मुंबई में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने रियासत में बढ़ते हुए कोरोना केसों के बाद हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम को बयान किया। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे से लॉकडाउन तर्ज पर पाबंदियां आयद होंगी। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि रियासत भर में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज किया जा रहा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की निशानदेही करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोविड का फैलाव शदीद है, अस्पतालों में बेड है, ऑक्सीजन की कमी है। हम रियासत में बतदरिज तिब्बी सहूलियात में इजाफा कर रहे, मरकज कोविड वैक्सीन की फराहमी में मजीद इजाफा करे, मरकजी हुकूमत ऑक्सीजन की फराहमी फौरी तौर पर करे, ऑक्सीजन की तमाम पैदावार को सिर्फ तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए हुजूम कम करने की गर्ज से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में इजाफा कर दिया है। जनूबी वसते रेलवे के प्रेस नोट के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकट की मौजूदा कीमत 30 रुपए को बढ़ाकर फौरी असर के साथ 50 रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तन्हाई में चले गए हैं। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में काम करने वाले चंद अहदेदार कोरोना वायरस से मुतासर हो गए, जिसके बाद योगी ने एहतियाती इकदामात के तहत खुद को तन्हाई में रहने का फैसला किया। इस बारे में योगी ने ट्वीट किया, मेरे दफ्तर में चंद अहदेदार मुस्बित पाए गए हैं, उनमें से कुछ मुझसे राबते में थे। योगी ने कहा कि उसके साथ ही मैं घर में तन्हाई में रह रहा हूं और वहां से ही काम कर रहा। उत्तराखंड में जारी कुंभ के मेले में लाखों की भीड़ में कोरोना का फैलाव हो गया। खबरों के मुताबिक यहां 102 हिंदू अकीदतमंद और 20 साधु कोरोना से मुतासर पाए गए। मेले में मौजूद कई हिंदू तंजीमों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार किया, जिसकी वजह से हालात मजीद खराब होने का अंदेशा है। रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में जारी कुंभ के मेले में लाखों की तादाद में लोग जमा हैं और यहां कोरोना प्रोटोकॉल पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा। न तो किसी के पास मास्क नजर आता है और न ही सामाजिक फासले के उसूल पर अमल हो रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कहना है कि होने वाले शाही स्नान में 1 लाख साधुओं ने शिरकत की थी। हरिद्वार के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO डॉक्टर SK झा ने बताया कि हुकूमत की जानिब से जारी कोरोना से मुतल्लिक रहनुमाना हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव कोरोना के टेस्ट में मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो खांगी क्वारंटीना में चले गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, अभी मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैं अपने आप को सबसे अलग कर चुका हूँ और घर पर ही इलाज शुरू हो गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो लोग मेरे रابطे में आए हैं, इस सबसे मेरी मौदबाना दरख्वास्त है कि वो भी जाँच करा लें। उन सभी से आइसोलेशन में रहने की गुजारिश है। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।